देखिए, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा होने वाला है। वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल हसनुद्दीन भट्ट को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज के डेट में देखा जाए तो भारतीय रेलवे वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क माना जाता है। यहाँ पे डेली लाखों पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करते हैं, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। ऐसे में देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट किसी न किसी रीजन बस उनकी ट्रेन मिस हो जाती है और उनको 100% रिफंड नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100% रिफंड रेलवे से ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि रेलवे ने कौन कौन से गाइडलाइन अपने पैसेंजर के लिए लागू किया है, कब कब किस किस केस में आपको रिफंड मिल पाएगा। तो देखिए, रेलवे में जो टिकट होता है वो दो तरह का टिकट होता है, एक तो तत्काल होता है, एक जनरल होता है। तत्काल में अगर आपने कंफर्म टिकट करा रखा है, उस केस में अगर आप अपनी जर्नी को ड्रॉप करना चाहते हैं, कैंसिलेशन के समय आपको जीरो रिफंड मिलेगा। वहीं पे अगर आप जनरल टिकट करा रखे हैं, चाहे स्लीपर हो, चाहे एसी हो, चाहे थर्ड एसी हो, कोई सा भी कोच हो, और उस समय क्या नाम है, आपका जर्नी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको कैंसिलेशन में कुछ रिफंड रेलवे की तरफ से कुछ परसेंटेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर इसमें भी कई तरह की गाइडलाइन है। अगर आप ट्रेन छूटने के 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में अगर आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो उस केस में आपको 75% रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन जाकर के IRCTC के माध्यम से अगर आपने टिकट करवाया है तो वहीं पे आपको कैश तब मिलेगा जब आपने क्या नाम है, अगर आपने अपना टिकट काउंटर से जाकर के लिए हैं तो उस केस में अगर आप अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं काउंटर से जाकर के, उस केस में आपको 75% आपको कैश मिल जाएगा। वहीं पे अगर 12 से 4 घंटे के बीच में अगर आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको 50% अमाउंट मिलेगा, और ट्रेन छूटने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप टिकट अपना कैंसिल कराते हैं तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो अपनी जर्नी तो कंप्लीट करना चाहते हैं बट किसी भी रीजन की जैसे उनकी ट्रेन मिस हो जाती है या फिर छूट जाती है और वो जर्नी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पैसेंजर कैसे रेलवे से अपना पूरा रिफंड ले सकते हैं। देखिए, इस केस में ऐसा होता है कि अगर ट्रेन क्या नाम है रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दी गई है या फिर रेलवे की तरफ से 3 घंटे डिले है तो उस केस में पैसेंजर को 100% रिफंड मिल जाता है। इस केस में पैसेंजर को करना क्या है, लेट से अगर आपने टिकट अपना विंडो से ले रखा है तो विंडो पर जाकर के अपना TDR फाइल करना है, उस केस में आपको TDR फाइल करते ही आपको कैश दे दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपने ऑनलाइन IRCTC के माध्यम से आपने कंफर्म टिकट ले रखा है और IRCTC के पोर्टल पे जाकर के आप TDR फाइल करते हैं तो आपके अकाउंट में 60 से 90 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपका जो पूरा अमाउंट है वो क्रेडिट होकर के आ जाएगा। इनकेस अगर रेलवे की गलती नहीं होती है, रेलवे ने अपना ट्रेन कैंसिल नहीं किया है या फिर ट्रेन राइट टाइम पे है तो रेलवे आपको पैसा नहीं देगा। जब भी आप TDR फाइल करेंगे इस केस में, अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो अगर आप TDR फाइल करते हैं तो वहां पे आपको जाकर के अपना जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा कि आपकी ट्रेन क्यों मिस हो गई, क्यों आपकी ट्रेन छूट गई। अगर गलती आपकी है तो इस केस में रेलवे आपको कोई भी रिफंड नहीं देगा, आपको जीरो रिफंड मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे नियम है रेलवे की तरफ से, इसको आप गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।